everyone so today we talk about memory gland and in previous video uh, we talk about the external genitalia they both are the part of the female reproductive system so today's question is what is memory gland Memory gland is the modified sweat gland for the milk production we also can say that mammary gland uh, it is uh, it is the modified sweat gland and it is help in the milk production so this is the structure of the outer structure of the memory gland so today we talk about the outer and inner structure of memory gland and we also talk about the function of the memory gland so this structure is called modified sweat gland this is the modified sweat gland in modified sweat gland in the uh, it also have uh, Sibiscus gland the yellowish structure is called sibescus gland and in Sibescus gland it also have a small small structure and these small small structure are called areola and in the sibescus gland in our uh, the inner side it also have nipple and nipple help to the baby to suckle the milk so this is the outer structure of the uh, fema uh, female female mammary gland so first of all today we talk about the outer structure and then we talk about the inner structure in outer structure we can see that uh, the uh, sebaceous gland have a small small structure, and these small small structure are called areola. So, question is, what is areola? So, basically, areola is very sensitive to touch. Why? Uh, why areola is very sensitive to touch? Because when baby suckle the milk, uh, it's same signal for the brain. एरियोला सेंड सिग्नल फॉर द ब्रेन एंड ब्रेन रिलीज ऑसिटोसाइलीटोसाइन सो बेसिकलीबेस्कस ग्लैंड में क्या है स्मॉल स्ट्रक्चर है एंड ये स्मॉल स्मॉल को हम कहते हैं एरियोला एरियोला बेसिकली है क्या जब बेबी क्या करते हैं मदर से मिल्क को सकल कर रहा होता है तो ये जो एरियोला uh, है उसी टाइम ब्रेन को क्या करता है बेसिकली ब्रेन को भेजेगा ये सिग्नल ये क्या करता है बेसिकली ब्रेन को भेजता है जस्ट वेट ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर है ही बेबी क्या करेगा सकल करेगा मिल्क को सो ये टच होगा और ये क्या है टच में काफी सेंसिटिव है तो ये क्या करता है को क्या करता है ये basically, ये को भेजता है सिग्नल और ब्रेन क्या करता है सिग्नल भेजने से एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है ऑसिटोसाइन सो बेसिकली इसका काम क्या है इसको क्या करना है ऑसिटोसाइन को आ, बेसिकली इसको तो क्या करना है ऑसिटोसाइन को लाना है तो ऑसिटोसाइन कब लाएगा जब एरियोला ब्रेन को सिग्नल भेजेगा एरियोला जब ब्रेन को सिग्नल भेजता है कब जब बेबी क्या कर रहा है सकल कर रहा है मिल्क तो क्या होता है ब्रेन क्या करता है एसिड ऑसिटोसिन uh, को रिलीज करता है एंड दिस ऑसिटोसिन हेल्प इन द मिल्क एजिप्शन सो इट्स हेल्प इन मिल्क एजिप्शन सो so बेसिकली ये कर क्या रहा है ऑसिटोसिन बच्चा आसानी से मिल्क ले सके मिल्क का एजिप्शन कर सके इसलिए ब्रेन को क्या कह रहा है कि वो क्या रिलीज करे ऑसिटोसिन रिलीज करे जैसे ही ब्रेन ऑसिटोसिन रिलीज करेगा तो बच्चे को आसानी हो जाएगी मिल्क एजिप्शन में तो ये किस में हेल्प कर रहा है मिल्क एजिप्शन में हेल्प कर रहा है तो जब नीट में पहला क्वेश्चन बन सकता है द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द फंक्शन ऑफ ऑसिटोसिन उसमें आ सकता है मिल्क प्रोडक्शन आ सकता है मिल्क एजिप्शन आ सकता है एंड कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं तो आपको याद रखिए आपको कभी भी मिल्क प्रोडक्शन पे टिक नहीं करना है आप टिक करेंगे मिल्क एजिप्शन पे सो आर फर्स्ट एंजाइमी इज ऑसिटोसिन और उसे रिलीज कौन कर रहा है बेसिकली ब्रेन रिलीज कर है विद दी हेल्प ऑफ द एरियोला सो बेसिकली एरियोला का फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ अब हम इसे डिटेल में जानेंगे इनर स्ट्रक्चर को देख के कि आखिर मेमोरी ग्लैंड में कैसे मिल्क प्रोडक्शन होता है सो बेसिकली इन मेमोरी ग्लैंड मोस्ट साइज़ ऑफ़ द मेमरिक ग्रैंड इज़ बिकॉज ऑफ दी फैटी टिश्यू जो भी हम कह रहे हैं ना मेमरिक ग्रैंड का साइज किस पे बेस है तो वो बेसिकली बेस होता है फैटी टिश्यू पर और ये भी टिशू हैं इन फैटी टिश्यू को ही हम कहते हैं एडिपोस टिशू सो तो याद रखिए जो ये फैटी टिशू है इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं एडिपोस टिशू सो ये एडिपोस टिश्यू क्या कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड के साइज को मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली इन एडिपोजिशू सम टिश्यूज आर प्रेजेंट एंड दिस टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेज एंड दिस स्मॉल स्मॉल पीसेज आर कॉल्ड मेमोरी लोब सो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या कर रही है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस डिवाइड कर रही है और मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि मेमोरी ग्लैंड में जो एडिपोस टिश्यू या फैटी टिश्यू हैं ये क्या करती हैं बेसिकली स्मॉल स्मॉल पीसेस डिवाइड uh, करती हैं और उन्हीं स्मॉल स्मॉल पीसेस को हम कह रहे हैं मेमरी लोब एंड मेमरी लोब इज हेल्प इन द मिल्क प्रोडक्शन तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिर मिल्क प्रोडक्शन में uh, कौन हेल्प कर रहा है या फिर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है सो मेमरी लोब इन्वॉल्व होता है एंड मेमोरी लोब के ही अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा पर्पल कलर का दिस स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड alveoli this structure is called alveoli uh, what is the function of alveoli basically al uh, alveoli help in the milk production all secretion come from the uh, epithelial tissue and each lobe have bunch of alveoli बेसिकली मेमोरी लोब मेमोरी लोब में आपको क्या दिखेगा बंच ऑफ एलवे देखिए यहाँ पे क्या है बंच ऑफ एलवे ऑली आपको क्या दिखेगा मेमोरी लोब में बेसिकली बंच ऑफ एलवे दिखेगा और ये जो मेमोरी लोब है ये फिफ्टी एक ब्रेस्ट में फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब होंगे ये भी याद रखिए आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन मेमोरी लोब आर प्रेजेंट इन वन ब्रेस्ट तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी लोब्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली और हर हर मेमोरी में जो है आपको बंच ऑफ एल्वे ऑली दिखाई देगा एंड ये एल्वे ऑली क्या कर रहा है बेसिकली यही मेमोरी मेरी लोब के अंदर जो एल्वे ऑली है यही हेल्प कर रहा है इन मिल्क प्रोडक्शन सो so बेसिकली हमने देख लिया कि आ, कौन से पार्ट में मैं मेरी आ, बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी उस पार्ट के भी आ, इनर साइड कौन से स्ट्रक्चर में बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है अगर आप के ऑप्शन में आ रहा है मेमोरी लोब एंड एल्वेओली तब आपको एल्वेओली ही चूज करना है लेकिन एल्वेओली नहीं आ रहा है खाली मेमोरी लोब आ रहा है तब आपको मिल्क प्रोडक्शन में मेमोरी uh, लोब को ही चूज करना है सो so, आपको याद रखना है ये सारी चीजें और आपको दिख रहा है मेमोरी लोब में ही आपको ये ल्यूमन दिख रहा है सो दिस ल्यूमन इज कॉल्ड ल्यूमन ऑफ एल्वेओली तो आपको ये याद रखना है ये जो ल्यूमन है ये ल्यूमन क्या कहला रहा है दिस ल्यूमन इज कॉल्ड एल्वेओली So basically, हमने देख लिया कि हुआ क्या एरोला क्या कर रहा है काफ़ी सेंसिटिव है टच में तो ये क्या करता है मदर को सिग्नल मदर uh, के ब्रेन में सिग्नल भेजता है जिससे वो ऑसिटोसिन uh, 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 रिलीज करता है और ये ऑसिटोसिन मिल्क एजेप्शन में हेल्प करता है वहीं हमने देखा कि एडिपोस टिश्यू बेसिकली ये यही क्या कर रहे हैं डिवाइड uh, हो रहे हैं स्मॉल पीसेस में और उन पीसेस को हम क्या कह रहे हैं मेमोरी लोब uh, कह रहे हैं हर मे आप मेमरी लोब में क्या दिखेगा बंच ऑफ एल्वे दिखाई देगा एंड यही एलवे ऑली हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क स्टोर कहां पे होता है ल्यूमेन में स्टोर होता है बेसिकली अब होता क्या है आपको पता है कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है तो होता क्या है पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है इट रिलीज प्रोलैक्टीन पिट्यूटरी रिलीज प्रोलेक्टीन एंड it help in the milk production uh, we can say that uh, prolactin is the milk producing hormone so the, uh, the examiner uh, can uh, give you some uh, options like uh, which hormone is help in the milk production uh, इट्स आल्सो गिव यू द ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन एंड एक्सेट्रा सो आपको हमेशा याद रखना है अगर मिल्क प्रोडक्शन पूछ रहा है मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन पूछ रहा है सो द हार्मोन इज प्रोलैक्टिन लेकिन मिल्क एजप्शन के लिए पूछ रहा है तो इट इज

अब अगर हम बात करें इसकी जब क्या है बच्चा क्या कर रहा है सकल कर रहा है मदर से क्या है सकल किया उसने सो so, अरोला क्या कर रहा है सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को एंड वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ऑसिटोसिन प्रोड्यूस कर रहा है साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा प्रोलैक्टिन भी देखो ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है तो दो चीज प्रो प्रोड्यूस गया अब यहां पे आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टीन ऑक्सीटोसिन मिल्क एजेप्शन में हेल्प करेगा एंड प्रोलैक्टीन हेल्प इन दी मिल्क प्रोडक्शन सो एवरी टाइम चाइल्ड सकल ऑन दी ब्रेस्ट सो द मदर सो द ब्रेन ऑफ द मदर प्रोड्यूस मोर प्रोलैक्टीन एंड ऑल्सो ऑक्सीटोसाइन सो बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा कि वट इज़ द फंक्शन ऑफ दी एल्वे अब देखो आपको एक चीज और बताऊँ अब इससे बेसिकली बेबी को मिल्क जा के सिरा है अब देखो होता क्या है जो ये एल्वे ऑली है एल्वे ऑली से ही क्या होगा बेसिकली देखो uh, इसके ल्यूमन में मिल्क है सो so बेसिकली इसके बाद क्या होगा जो मिल्क है मिल्क uh, कुछ इस ट्यूब से निकलेगा इस uh, तरीके की कुछ ट्यूब होगी जस्ट विथ बेसिकली मिल्क ट्यूब से निकलेगा कुछ इस तरीके से हर एल्वी जो भी मिल्क प्रोडक्शन कर रही है वहाँ से क्या निकलेगा एक ट्यूब जैसी निकलेगी इस ट्यूब को कहते हैं हम मेमरी ट्यूब दिस ट्यूब इज कॉल्ड मेमरी ट्यूब एंड देन द मिल्क इज द मिल्क इज गोज टू मेमरी डक्ट so the milk is goes to the memory duct this is the memory duct uh, and then this memory duct are come together so this is the memory duct memory डक्ट तो बेसिकली हो क्या रहा है देखो एल्वे ऑली में मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन हुआ ये मिल्क कहाँ गया सबसे पहले एक ट्यूब में गया उस ट्यूब से ये ट्यूब कहाँ पे मिली मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक एक मेमरी मेमरी लोब में बहुत सारे एल्वे ऑली होंगी और हर एलवे ऑली में क्या होगी मेमरी ट्यूब होगी फिर ये मेमोरी ट्यूब हर उसकी क्या होगी आ, मतलब कि एक एक मेरी लोब की सारी की सारी जो ट्यूब्स हैं एक साथ मिलेंगी और वो क्या बनानेगी की मेमेरी डक्ट बना देंगी तो हर मेमेरी मेमरी लोब से मेमेरी डक्ट बनेंगी फिर एंड सा, जब सारी मेमरी डक्ट जहाँ पे मिलेंगी उस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं उस पोर्शन को हम बेसिकली कह रहे हैं मेमोरी एम्प्यूला जहाँ पे सारी की सारी मेमोरी डक्ट मिल रही हैं उसे हम क्या कह रहे हैं मेमोरी एम्प्यूला बेसिकली मिल्क कहाँ पे आ गया है मेमोरी एम्प्यूला में आ गया है मेमपरी मेमरी एम्प्यूला में मिल्क आने के बाद ये बेसिकली कहाँ जाता है ये जाता है लेक्टिफेरस डक्ट में सो बेसिकली दिस इज दैक्टिफेरस डक्ट एंड ये लेक्टिफेरस डक्ट जाके कहाँ पे मिलता है निपल में मिलता है जहाँ से क्या होता है बेसिकली यहाँ से क्या होगा यहाँ से मिल्क बेबी को जाएगा मतलब कि बेबी को यहाँ से क्या मिलेगा मिल्क मिलेगा सो बेसिकली एट द एंड जो मेमोरी uh, है वहाँ से फिर स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स निकलेंगी जिन्हें हम क्या कह रहे हैं लेक्टिफेरस डक्ट कह रहे हैं लेक्टिफेरस डक्ट कह रहे हैं एंड दिस लेक्टीफेरस डर कम्स इन टू दिपल एंड उसके बाद क्या होगा बच्चा क्या करेगा मिल्क को सकल कर सकता है बेसिकली सो so, इस तरीके से क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है और वो पास होता है सो so, बेसिकली आज यहाँ पे uh, मैं मेरी ग्लैंड खत्म हो गया है इन नेक्स्ट वीडियो वी वी टॉक अबाउट दी मेंस्ट्रुअल साइकिल सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग